हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करते हैं प्लैटी हेलमिंथीस का सेकंड पार्ट, फाइलम प्लैटी हेलमिंथीस का क्लासिफिकेशन। जनरल कैरेक्टर्स मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ और अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन का टेबल लेआउट। ये क्लासिफिकेशन का टेबल लेआउट है, इसमें तीन कॉलम नजर आ रहे हैं। पहला कॉलम बता रहा है फाइलम प्लैटी हेलमिंथीस, दूसरा कॉलम बता रहा है इसकी क्लासेस, और तीसरा कॉलम बता रहा है जो क्लासेस में ऑर्डर्स आते हैं वो। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो इस टेबल में क्लियर दिख रहा है कि प्लैटी हेलमिंथीस डिवाइडेड है तीन क्लासेस में, टर्बुलेरिया, ट्रेमेटोडा, सिस्टोडा। अब ये जो तीन क्लासेस हैं, ये आपको किसी किसी किताब में अगर आप देखेंगे उठा के, तो चार क्लासेस नजर आएंगी। और इसमें जो डाइजीनिया है, जो ट्रेमेटोडा का ऑर्डर है, डाइजीनिया दूसरा ऑर्डर, ये भी एक क्लास के रूप में दर्शाया गया है कई जगह पे। तो ये तो आपको ये जो भी क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं उसमें आपको एक किताब पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अब मेरा जो ये क्लासिफिकेशन है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो ये जो फाइलम प्लैटी हेलमिंथीस है, मेरा मतलब जो मैंने जिस किताब में से लिया है, इस ये डिवाइडेड है इनटू थ्री क्लासेस, टर्बुलेरिया क्लास वन, क्लास टू ट्रेमेटोडा, और क्लास थ्री सेस्टोडा, इसको यू सेस्टोडा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हमें जो वैसे क्लासिफिकेशन करना है वो क्लासेस तक ही करना है। तो अब हमारा काम ये है कि हम जनरल कैरेक्टर्स करेंगे प्लैटी हेलमिंथीस के, फिर हम कैरेक्टर्स करेंगे टर्बुलेरिया के, फिर हम कैरेक्टर्स करेंगे ट्रेमेटोडा के, और कैरेक्टर्स ऑफ सेस्टोडा, इस तरह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये अधूरा सा काम लगता है, इसलिए आपको तो सिर्फ क्लासेस तक ही करना है, लेकिन मैंने ये बताया है कि आपको जो क्लासेस हैं उनमें कौन कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और ऑर्डर्स जब हम करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हमको ये भी हो जाता है कि जिस किस ऑर्डर में कौन सा एनिमल है, और इसलिए वो एनिमल जो है वो आएगा टर्बुल एरिया में। ठीक है, जैसे इसमें टर्बुल एरिया डिवाइडेड है तीन ऑर्डर्स में, एसीला, रेबडोसीला एंड ट्राइक्लाडिड। एसीला में जो एनिमल आता है वो होता है कॉन्वोलूटा, रेबडोसीला में मीजोस्टोमा, और ट्राइक्लाडिडा में प्लानेरिया। ये कुछ जाना पहचाना लगा प्लानेरिया। तो ये जो प्लानेरिया जंतु है, ये आपको जरूरी नहीं है कि आप याद रखें ट्राइक्लाडिडा में है, लेकिन आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि ये टर्बुल एरिया में है। तो अगर प्लानेरिया का हमें क्लासिफिकेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे फाइलम प्लैटी हेलमिंथीस, क्लास टर्बुल एरिया, ऑर्डर ट्राइक्लाडिडा एंड जीनस प्लानेरिया। और इसकी अगर कोई स्पीशीज आप लिखना चाहें तो वो उसमें नाम में सेकेंड नेम, सेकेंड जो वर्ड होगा नाम में, वो उसकी स्पीशीज को बताएगा। अब इसी तरह से जो सेकंड क्लास है प्लैटी हेलमिंथीस की, वो है ट्रेमेटोडा। और ट्रेमेटोडा में दो ऑर्डर्स पाए जाते हैं, मोनोजीनिया और डाइजीनिया। मोनोजीनिया में जो एनिमल है वो पॉलिस्टोमा है, और जो डाइजीनिया में जो एनिमल है वो है फैसियोला और शिस्टोसोमा। थर्ड जो क्लास है प्लैटी हेलमिंथीस की वो है सेस्टोडा, और इसमें एक ही ऑर्डर पाया जाता है साइक्लोफिलिडी, और इसमें पाया जाता है टीनिया, टेपवर्म, फीताक्रम। तो चलिए अब हम वन बाय वन क्लासेस ले लेते हैं। तो अभी मैं आपको इस वाले लेक्चर में टर्बुल एरिया के कैरेक्टर्स और उसमें पाए जाने वाले एनिमल का थोड़ा सा ब्यौरा दे देती हूँ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी दो क्लासेस हैं उनका डिटेल्स कर लेंगे। तो चलिए क्लास टर्बुल एरिया पे आते हैं। तो ये मैंने क्लास टर्बुल एरिया के कुछ कैरेक्टर्स बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, और इसमें जो पाया जाने वाला एनिमल है प्लानेरिया, उसकी तस्वीर लगाई है मैंने इसमें। अब आप देख लीजिए, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स भूल तो नहीं गए ना आप लोग, ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड वर्म्स होते हैं जो प्लैटी हेलमिंथीस होते हैं ना। प्लैटी मींस फ्लैट और हेलमिंथ मींस वर्म्स। तो ये देखने को मिल ही रहा है आपको, ये जो वर्म है प्लानेरिया, जो फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये थोड़ा सा टर्न करके दिखाया हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें तो आपको डोर्सल पार्ट दिखाई दे रहा है,
और नीचे वाले में जो वेंट्रल पार्ट है उसको टर्न करके दिखाया गया है, जिससे कि आपको इवर्टेड फेरिंग्स नजर आ जाए उसकी। तो ये इसका इसकी पहचान भी हो सकती है, वैसे तो इसका शेप ही इसकी पहचान है कि इसका जैसे ये जो शेप बना हुआ है थोड़ा सा हेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑरिकल बोलते हैं जिसको, और इसमें दो आइस पाई जाती है, फिर डोर्सल सरफेस है, और नीचे जो वेंट्रल सरफेस पे इसका फेरेंजियल पाउच होता है जिसमें से फेरिंग्स इवर्टेड दिखाई दे रही है, वो हमेशा ऐसी नहीं रहती, अंदर रहती है, लेकिन जब भी इसको खाना खाना होता है, कोई खाना अंदर लेना होता है, तब ये फेरिंग्स को बाहर निकालता है, और फेरिंग्स के थ्रू ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो पूरा इंजेस्ट कर लेता है, और जो अगर कोई बड़ा पार्टिकल है जैसे कोई मांस का टुकड़ा है तो फेरिंग्स में से ये कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, और वो उसको मांस के टुकड़े को के छोटे छोटे टुकड़े बनाता है या तो डिजोल्व कर लेता है, और फिर ये फेरिंग्स उसको चूस लेता है। नीचे गोनोपोर दिखाई दे रहा है, और ये वेंट्रल सरफेस है ही, ये मैंने बताया था आपको कि ये वेंट्रल सरफेस टर्न करके दिखाया हुआ है, वरना वेंट्रल सरफेस तो नीचे होता है ना, तो ये थोड़ा सा टर्न करके एनिमल का दोनों सरफेसेस दिखाए हुए हैं। तो चलिए इसके जनरल कैरेक्टर्स करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स यदि जैसे अगर प्लानेरिया का आपको कुछ आइडिया हो, जैसे कोई किताब में आपको अगर प्लानेरिया का डिस्क्रिप्शन मिल जाए पूरा, तो अगर उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं, मैं नहीं कह रही कि उसको याद करें, लेकिन अगर उसको एक बार आप पढ़ लेते हैं तो जनरल कैरेक्टर्स खुद ब खुद आपको याद हो जाते हैं। अगर और अगर एनिमल को दिमाग में नहीं रखें और ऐसे ही आप जनरल कैरेक्टर्स रटने लगेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि सारे एक जैसे लगते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लैटिहेलमिंथीज भी वो ऐसा लगता है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन क्या होता है कि जो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लैटिहेलमिंथीज है वो तो एनिमल के कैरेक्टर्स हैं ही, जो प्लानेरिया है उसमें जनरल कैरेक्टर्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन टर्बुलेरिया क्लास के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो फिर आपको प्लानेरिया जो एनिमल है उसको ध्यान में रखते हुए आपको मेमोराइज करने होंगे। तो चलिए ले लेते हैं एक एक करके कैरेक्टर। फर्स्ट कैरेक्टर है ये फ्री लिविंग है, पैरासिटिक नहीं है ये थोड़ा नया लग रहा है, क्योंकि आप तो ये सोच रहे होंगे प्लैटिहेलमिंथीज सारे ही पैरासाइट्स हैं, लेकिन नहीं, जनरल कैरेक्टर में मैं आपको बताया था कुछ फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं, सो दिस प्लानेरिया इज अ फ्री लिविंग फॉर्म। फिर सेकेंड एक्टोकेमेंसल होता है या पैरासिटिक भी हो सकता है। अब ये प्लानेरिया तो अपन ने एक एग्जाम्पल ले लिया है, और भी तो एनिमल्स हैं जैसे कॉन्वोल्यूटा, मीजोस्टोमा और भी बहुत सारे, तो ये प्लानेरिया फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ एनिमल्स पैरासिटिक भी होते हैं। और ये एक्टोकेमेंसल भाई ये क्या है? एक्टोकेमेंसल मीन्स ये जो एनिमल है पैरासाइट नहीं है ना, ये कमेंसल का मतलब ये कुछ ऐसी रिलेशनशिप में होता है दूसरे एनिमल के साथ जिसमें इसको भी फायदा होता है और दूसरे एनिमल को भी फायदा होता है, या फिर इसको फायदा होता है और दूसरे एनिमल को कोई नुकसान नहीं होता, तो ये होता है एक्टोकमेंसल। एक्टो मीन्स बाहर, जैसे अगर आप कोई एक मांस का टुकड़ा जिस पानी में ये पाया जाता है अगर उसमें डाल दें तो ये क्या करता है, अपने सेंस ऑर्गन से उसको ढूंढ लेता है मांस के टुकड़े को, उसके ऊपर जाके चिपक जाता है, फिर जैसे मैंने फेरिंग्स का बताया था वो उसकी फेरिंग्स इवर्ट हो जाती है, बाहर निकल जाती है, उसमें से कुछ जूसेस निकलते हैं, वो मांस के टुकड़े को डिजोल्व कर लेते हैं और ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये होता है एक्टोकमेंसल। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी अनसेगमेंटेड, दिख रहा है भाई फोटो में कोई सेगमेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये अनसेगमेंटेड होता है। फिर नेक्स्ट है एपिडर्मस सेलुलर या सिंसिशियल। सेलुलर मतलब एक एक सेल को जोड़ के अगर एपिडर्मस बनी हुई है, आपने देखा होगा ना एपिडर्मस कॉलमनर सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है एक में और आपस में ऐसे सटे हुए होते हैं और बिल्कुल पैक्ड एक शीट जैसी बना देता है जो पूरा एपिडर्मस कहलाता है, तो ऐसा भी हो सकता है ये इसका एपिडर्मस। और दूसरा सिंसिशियल भी हो सकता है। क्या होता है ये सिंसिशियल? सिंसिशियल मीन्स एक जैसे सेल्स आपको नजर नहीं आएंगे, जो सेल वॉल्स हैं एक तरह से यूं समझ लीजिए वो डिजोल्व हो गई, तो ये पूरी एक शीट जैसा बन जाएगा ऊपर और उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, लेकिन उन न्यूक्लियाई को सेपरेट करने के लिए सेल वॉल्स नहीं होंगी, ये होता है सिंसिशियल। फिर दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद सिलिया। अब इस फोटो में तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो ये इसकी एनिमल की बॉडी के ऊपर बहुत सारी सिलिया प्रेजेंट होती हैं, पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं सिलिया छोटी छोटी। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्टली प्रेजेंट,
डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्टली प्रेजेंट होता ही है प्रेजेंट, और ये तो एक्टोकमेंसल है तो इसमें तो होना ही है। पैरासिटिक फॉर्म में तो चलो बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के काम चल जाता है। बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के मतलब कि आपको डेफिनेट माउथ, इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक इंटेस्टाइन ये सब नहीं चाहिए, लेकिन अगर खाना एब्जॉर्ब हो रहा है तो कहीं तो बॉडी में जाएगा, तो उसके लिए इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो ऐसे ब्रांच्ड होती है, पूरी बॉडी में फैली हुई होती है। और इसकी जो इंटेस्टाइन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो वाई शेप्ड होता है। वाई शेप्ड मतलब कि ऊपर की बॉडी में एक आर्म होता है इसका, जिसके ब्रांचेस निकले हुए होते हैं सब जगह पे, और नीचे की बॉडी में ये डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेस बन जाते हैं, और लेफ्ट और राइट में ये दोनों ब्रांचेस स्प्रेड हो जाते हैं पूरा नीचे तक। तो ये वाई शेप हो गया, थ्री फोर्क्ड एक तरह से। तो ये थ्री फोर्क्ड इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। एनस एब्सेंट होती है। अब ये जो एनस एब्सेंट होती है ना, तो एक तरह से जो इनकी कैविटी, डाइजेस्टिव कैविटी है, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जैसी हो गई। सीलेंट्रन सीलेंट्रेटा में ध्यान है ना आपको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, माउथ से खाना अंदर आता है और वहीं से बाहर निकलता है। तो एनस इसमें भी एब्सेंट होती है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा मतलब सीलेंट्रेटा के बाद यही वाला फाइलम आता है, तो ये वाला कैरेक्टर थोड़ा उधर नीचे की तरफ मिल रहा है। और फिर इसमें टैंगो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म है भाई, तो सेंस ऑर्गन्स तो चाहिए। टैंगो मीन्स टच वाले रिसेप्टर, कीमो मतलब जो केमिकल सब्सटेंसेस को सेंस करते हैं वो वाले, फोटो रिसेप्टर जो लाइट को सेंस करते हैं। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें मेल फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, इसमें कोई लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हो गया आपका क्लास टर्बुलेरिया का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी जो दोनों क्लासेस हैं उसका उसके कैरेक्टर्स बताऊंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।